ओके हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की न्यू वीडियो के अंदर हम करेंगे हॉली स्पेशली फोटो एडिटिंग। तो आप लोगों को भी स्टेप की एडिटिंग करना है तो वीडियो को एंड तक देखिए। एंड इसी वीडियो के अंदर मैंने जो भी स्टॉक वगैरह यूज किया हूँ ये सभी का लिंक आप लोगों को नीचे दे दिया हूँ, तो जाकर आप लोगों ने वो फाइल को डाउनलोड कर दीजिए। एंड फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को 4 डिजिट का पासवर्ड चाहिए जो कि इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दे रखा हूँ। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिए। एंड आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज की इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बैकग्राउंड को डाउनलोड करके सबसे पहले ओपन करना होगा पिक्सेड एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर। ओके, यस हम क्या करेंगे, मॉडल को सबसे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आप लोगों को अपने बैकग्राउंड को इरेज करना आते तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड को इरेज करना नहीं आते तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, तो जाकर आप लोगों ने वो वीडियो को एक बार देख लीजिए। ओके, एंड अपने मॉडल को बैकग्राउंड को रिमूव कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर मॉडल को सही तरीके से पर इसको एडजस्ट करके यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, आप लोगों ने देख सकते हो यहाँ पर। ओके, देन इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डन करके बैक आना होगा। देन फिर से आएंगे आर्ट फोटो के ऊपर, इस बार आप लोगों ने कुछ कलर्स वाली पीएनजी के ऊपर ऐड करना होगा। तो मैंने ये वाली कलर वाली पीएनजी को ऐड कर दियो। एंड इसको आप लोगों ने फुल बैकग्राउंड में इसको ऐड करके यहाँ पर डन करना होगा। फाइन, तो इसके बाद आप लोगों ने फिर से आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर। तो आप लोगों को एक और कलर पीएनजी मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को 3 कलर पेंज आप लोगों को दिखने को मिल जाता है, रेड ग्रीन येलो। ओके, ये वाली पेंज को ऐड करेंगे एंड इसको फुल बैकग्राउंड में इसको सेट करेंगे। देन इसका जो कलर का जो ब्लेंडिंग मोड को होता है आप लोगों ने इसको ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके आप लोगों ने इसको रखना होगा, ओवरऑल रखना होगा। ओके, ओवरऑल ये फिर आप लोगों ने इसको ऐड भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डन करके बैक आना होगा। देन इसके बाद आप लोगों ने फिर से आना होगा आर्ट फोटो के ऊपर। एंड यहाँ पर आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर कुछ कलर को ऐड करना होगा, होली है ना, तो आप लोगों ने फेस के ऊपर कुछ कलर को ऐड करने के लिए आप लोगों को ये कुछ कलर का आप लोगों को ने यहाँ पर इसको ऐड करना होगा। तो इसका भी लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका जो ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना होगा एंड इसको रखना होगा आप लोगों को मल्टीप्लाई रखना होगा। इरेज के ऊपर आते ये ऐसे आप लोगों ने स्टेप का आप लोगों ने इसको जो भी पार्ट के ऊपर आप लोगों ने ऐड करना चाहते हैं वो पार्ट के ऊपर आप लोगों ने इसको ऐड कर दीजिए। फाइन, देन आप लोग डन करके बैक आना होगा। तो फिर से आना होगा आप लोगों को आर्ट फोटो के ऊपर, इस बार आप लोगों ने सेम कलर वाली पीएनजी को ऐड करेंगे क्योंकि गाइस हमको एक और कलर चाहिए, दूसरा कलर चाहिए हमको। ओके, तो इसलिए आप लोगों को ये वाली कलर आप लोगों को मिल जाता है, ग्रीन कलर का ऑप्शन। ओके, इसको ऐड करेंगे जैसे ही मैं आप लोगों को पहले कलर का बताया था, इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे एंड इसका रखेंगे ब्लेंडिंग मोड का आप लोगों ने मल्टीप्लाई रखना होगा। फाइन, देन आप लोग डन करके बैक आना होगा। फिर से आना होगा आप लोगों को आर्ट फोटो के ऊपर एंड यस आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों को एक ब्लू कलर का स्मोक पेंज आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर। तो इस सभी पेंज में आप लोगों को नीचे दे रखा हूँ, आप लोगों ने जाकर वो फाइल को डाउनलोड कर दीजिए एंड ध्यान से देखिए पासवर्ड को एंड आप लोगों ने अप्लाई करिए फोटो के ऊपर। ओके, तो प्लीज सर गाइस वीडियो को लाइक करिए एंड आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ब्लू ब्लू कलर को यहाँ पर ऐड कर दिया एंड इसको आप लोगों ने फुल बैकग्राउंड में इसको ऐड करके रखना होगा। देन आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना, डन करके बैक आना होगा। तो सभी कलर का पीएनजी यहाँ पर ऐड हो चुका है, बस आप लोगों को एक टेस्ट कलर का पीएनजी को आप लोगों ने ऐड करना होगा जो कि हमारे हॉली का जो टेस्ट वाले जो पीएनजी होता है वो पीएनजी को आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये रखा है पीएनजी, मैंने इसको ऐड कर दिया हूँ एंड सिंपल इसको बड़ा करेंगे इस टाइप का। ओके ना, एंड आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मिडिल में आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा। इरेज के ऊपर आएंगे, बॉडी के ऊपर जो भी पार्ट आ रहे हैं वो पार्ट को यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर देंगे।
buds have just begun. ओके देन गाइस, जैसे आप लोगों ने क्या करना, इसको एडजस्ट करके इसको यहाँ पर सही तरीके से डन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया एंड आप लोगों ने देख सकते हो फोटो यहाँ पर 50% हो चुका है। बाकी फेस वाइट रिटचिंग वगैरह करने के लिए फोटो को सेव करेंगे तो ले जाते हैं ड्रॉ टूल के ऊपर के अंदर एंड फोटो को करेंगे सेव। ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके तो गाइस हम गए लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्राइटनेस वगैरह का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा। होली है ना तो सब कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो एंड आसान हो जाएगा हमको एडिटिंग करने में। तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो आपके फोटो के हिसाब से आप लोगों को करना होगा फाइन। देन कलर के अंदर आना होगा, वाइब्रेंस में सबसे पहले बढ़ा दीजिए ताकि हमारा जो कलर वगैरह होगा ये सब कुछ ग्लोइंग करने लगेगा। ओके तो ऐसे ही आप लोगों ने सब कुछ कलर को सैचुरेशन में थोड़ा सा प्लस कर दीजिए एंड इसके बाद आप लोगों ने मिक्स ब्लर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर जितने कलर है ना, यहाँ पर बैकग्राउंड में जितने कलर है तो सब कलर को आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। रेड कलर को आप लोगों ने थोड़ा सा सैचुरेशन को प्लस करिए फाइन। ऑरेंज वाले क्लिक करते हैं, इसका सैचुरेशन डाउन करते हैं एंड इसका लुमिनेंस को होता है ना आप लोगों ने थोड़ा सा स्टेप का प्लस कर दीजिए फाइन गाइस। देन येलो वाले कलर पर आएंगे, येलो वाले कलर हमारे बैकग्राउंड के अंदर है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट कर देंगे। जैसे ही आप लोगों ने सैचुरेशन को आप लोगों ने कलर को बनाना होगा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा। एंड ऐसे ही करके आप लोगों ने सभी सैचुरेशन को आप लोगों ने थोड़ा सा प्लस करके यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए फाइन। देन आप लोग डन करके बैक आना होगा। तो ऐसे आप लोगों ने आना होगा इफेक्ट के ऊपर, टेक्सचर को बढ़ाएंगे, क्लैरिटी को हल्का डाउन करते हैं यहाँ पर और इसका जो डिजिट्स का आप लोगों ने थोड़ा स्टेप का प्लस कर दीजिए हल्का से और इसका बैकग्राउंड का आप लोग थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पर आप लोगों ने शार्पिंग को थोड़ा सा प्लस करेंगे, नॉइज रिडक्शन को प्लस करेंगे एंड इसका कलर नॉइज रिडक्शन थोड़ा सा प्लस करेंगे। आप लोगों ने देख सकते बिफोर फोटो एंड आफ्टर फोटो।